नमस्ते नेताजी। जी हम बैंड मास्टर हैं। आपके चुनाव में जो भी प्रोग्राम हुए ना, नाच गाने के, सब हमने करवाए थे सर। तो आपके पीए ने कहा था कि चुनाव के बाद ले जाना पैसे। कितने पैसे जी? मात्र 50,000 रुपये नेताजी। नेताजी पर ये तो बहुत कम है, 5,000 रुपये। हमारा बिल तो 50,000 रुपये का बनता है। बिल तो आम जनता के लिए होता है ना, हम तो माई बाप बैठे हैं ना यहाँ सबके। ऐसा मत कीजिए नेताजी, आप बेशक हमारा मुनाफा रख लीजिए, लेकिन हमारे साथ जो इतने लोग थे, कम से कम उनकी तो दिहाड़ी पूरी दीजिए। तो किससे बात कर रहा है, ध्यान रखना, एक मिनट लगेगा तुझे और तेरे इस ढोल को यहाँ से गायब करवाने में, समझा? लेकिन ऐसे पापा, आपको उसके पैसे दे देने चाहिए थे। ये राजनीति है बेटा, यहाँ हर बंदे को उसके काम के हिसाब से बैठाया जाता है, वरना ये लोग सर पे चढ़ जाते हैं। लेकिन पापा ये तो गलत है ना? तू इस चक्कर में मत पड़, वो मेरा काम है, सब संभाल लूंगा मैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनता की सेवा करना राजनीति में आने का मेरा सबसे बड़ा कारण बना, और वही मैं कर रहा हूँ। तो ये थी हमारी खास बातचीत नेताजी श्याम सुंदर जी के साथ। देखते रहिए PDT न्यूज। नमस्ते नेताजी, हमारे पैसे दे दीजिए। जिन लोगों ने हमारे साथ आपके यहाँ पर काम किया था, वो सब हमारे पीछे पड़े हुए हैं, हम उनको पैसा कहाँ से दें? अरे तू आया नहीं इतने दिनों से पैसे लेने के लिए? मैं तो बहुत दिनों से तेरे इंतजार कर रहा था कि तू आके अपने पैसे ले जा। देखो अब आया ये लेने के लिए। आज मैं तुझे तेरे पैसे दे ही देता हूँ। हरामखोर, तेरी इतनी हिम्मत कि तू दोबारा यहाँ तक आ पहुँचा? तेरे सारे प्रवचन रिकॉर्ड हो जाते तो मेरी कितनी बदनामी होती। हम क्या करें साहब, आप ही हमारी मेहनत का पैसा नहीं दे रहे। जिन लोगों ने हमारे साथ काम किया उन्होंने हमारे घर पे हंगामा उठा रखा, हम क्या करें साहब? तो तू खुद निपट उनसे, ये मेरी से गलती नहीं है, समझा? और हाँ, आज शाम को मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तेरा सारा हिसाब किताब बराबर कर दूंगा। चल निकल यहाँ से। जी कहिए। मालिक बुला रहे हैं, आओ। मालिक इसका डोल लेकर आओ। जी मालिक। ये लो। चले बेटा। आज तो ढोल बजा, हम सुनेंगे। बजा। ये क्या कर दिया नेताजी, हमारा ढोल फाड़ दिया। ये तो हमारी रोजी रोटी है, अब हम क्या करेंगे, कैसे कमाएंगे? अभी तो मैंने तेरा ढोल फोड़ा है, अगर आज के बाद इस इलाके में आसपास कहीं भी दिखा तो जिस घर में तू रहता है उस घर को, तुझे और तेरे घर वालों सबको खत्म कर दूंगा, समझे? वीडियो तो तूने देख ही लिया होगा। अगर चाहता है ये वीडियो वायरल ना हो तो मेरे बताए हुए एड्रेस पर आधे घंटे के अंदर 50,00,000 रुपए लेकर आ जा। हेलो हेलो हेलो,
सुजीत तुम्हें क्या कर रही हो इस आदमी के साथ? मैंने ही बुलाया आपको यहाँ। क्या? सच कहूँ पापा, मुझे तो हैरानी होती कि जब बात आपके ऊपर आई तो 50 लाख जैसी बड़ी रकम आप किसी अनजान को देने चले थे और इस बेचारे ईमानदार की 50,000 भी आपसे नहीं निकले। मेरे लिए ना बहुत आसान था कि आपके ये 50 लाख किसी भी तरह इसको दिलवा दो। इसने कहा कि इसे ये बेईमानी के पैसे नहीं चाहिए, कि अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए आप इतना नीचे गिर जाएंगे। सुनो बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना, जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भैया ये लो तुम्हारे पैसे, और ये 50,000 मेरी तरफ से जो तुम्हें तकलीफ हुई उसके लिए, हो सके तो मुझे माफ कर देना। आप जैसे लोग अगर अपना काम ईमानदारी से करेंगे ना साहब, तो हमारे जैसे लोग तो वैसे ही खुश रहेंगे। आज के बाद मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।